दोस्तों मुंबई की हर एक गली में, हर नाके पर, हर चौराहे पर से, हर रोड पर से भीड़ का रेलम रेल मचा होता है। और ऐसे में हर बसों में एक ही पोस्टर लगा होता है, जादूगर हेमराज। जादूगर हेमराज का पोस्टर बसों में और ट्रेनों में और बड़ी सी बड़ी दीवारों में, बिल्डिंगों में और टावरों में लगाया गया होता है, और जिसमें लिखा होता है कि जादूगर हेमराज। जादूगर हेमराज का शो देखने के लिए लोग बड़ी भारी संख्या में भीड़ का रेलम रेम लगा के जाते रहते हैं। और ऐसे में दोस्तों कुछ लोग तो उस पोस्टर को देख करके भीड़ लगा लेते हैं और पोस्टर के सामने भारी संख्या में भीड़ जमा हो जाती है। मानो ऐसा लगता हो कि जैसे जादूगर हेमराज पोस्टर से बाहर निकल करके जादू दिखा रहा हो। लेकिन दोस्तों हेमराज का जादू देखने के लिए लोगों को अरसा बीत जाता है, लोगों को नसीब लगता है। जादूगर हेमराज की शो को देखने के लिए लोगों को नसीब नहीं होता है, क्योंकि उसका शो देश विदेश में जाता है और लोग देश विदेश में विजिट वीजा निकाल करके उसके शो को देखने के लिए जाते हैं, क्योंकि हेमराज जादूगर का शो ही ऐसा है और उसकी कला ही ऐसी है, उसकी प्रतिभा ही ऐसी है कि लोग उसकी जादूगरी की कला को कद्र करते हैं और उसकी जादूगरी का दीवाना हो जाते हैं। दोस्तों ऐसे ही मुंबई के एक जगह पर एक ग्राउंड में बहुत ही ज्यादा पब्लिक हो जाती है, लेकिन लोग टिकट के लिए भी मोहताज हो जाते हैं कि एक टिकट मिल जाए तो मैं भी हेमराज के जादूगर की कला को देखूं। दोस्तों ऐसे में जादूगरी का शो चलता रहता है, ऐसे में उसी ग्राउंड के बीच में कुछ महिलाएं काम करती रहती है, साफ सफाई का काम करती रहती है। और ऐसे में एक महिला ऐसी होती है जिसका बेटा जिंदगी और मौत की दहलीज पर होता है, यानी कि वो एक अस्पताल में भर्ती होता है और डॉक्टर उससे 7 लाख रुपए मांग लिया होता है। और वो औरत हैरान हो जाती है कि मैं कैसे करूंगी 7 लाख रुपया। लेकिन फिर भी वो डॉक्टर कहता है कि तुम्हारे पास 7 दिन का वक्त है और तुम पैसे का इंतजाम कर लो, लेकिन तब तक तुम्हारे बच्चे को बचा लिया जाएगा। दोस्तों उस शो में पहला सीन ऐसा होता है कि एक लड़के की पेट में बहुत ही जोरदार खंजर से वार कर देता है, और खंजर से वार करते ही वो लड़का बहुत ही तेजी से चिल्ला जाता है। और उसके बाद में जादूगर हेमराज उसके पेट में हाथ डाल करके उसके कलेजे को निकाल लेता है। दोस्तों जैसे ही कलेजा निकाल लेता है तो खून का फव्वारा बहने लगता है। इस सीन को देख करके पूरा पब्लिक, पूरी दर्शक जो है हैरान हो जाती है और डर जाती है कि लगता है लड़का मर जाएगा। दोस्तों ऐसे में जो औरतें वहां पर साफ सफाई का काम कर रही होती है, उसी के बीच में एक महिला जिसका नाम रेखा होता है, रेखा इस सीन को अपने काम को करते हुए देख रही होती है और घबरा करके जैसे पागल हो जाती है और चिल्लाने लगती है कि बचाओ बचाओ, मेरा बच्चा तो मर जाएगा, लगता है मेरा बच्चा जीवित नहीं होगा। क्योंकि वो सदमे में आ जाती है और पूरा दर्शक लाखों करोड़ों की जो भीड़ होती है उस महिला को देखने लगती है और कहते हैं कि इसे क्या हो गया। दोस्तों जादूगरी का शो जो होता है वो कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए बंद हो जाता है। दोस्तों उसके बाद में सब लोग उसके पास जाते हैं और वो दौड़ी दौड़ी भागी चली आ रही होती है और सीधे स्टेज पर पहुंच जाते हैं, लोग पकड़ते हैं, लेकिन वो अपने हिम्मत से कामयाब होकर के जादूगर के शो पर पहुंच जाती है। दोस्तों ऐसे में हेमराज उस औरत को देखता है तो देखते ही रह जाता है। दोस्तों निगाहें इतनी ज्यादा टिकी हुई है एक दूसरे के ऊपर कि वो उसको देखती है और वो उसको देखता है। हेमराज उस रेखा को देखता है और रेखा हेमराज को देखती है। दोस्तों हेमराज के आंखों से आंसू निकल जाते हैं, जैसे हेमराज अपनी जादूगरी की कला को भूल गया हो, जैसे उसे कुछ आता ही नहीं हो, जैसे वो अपने 7 साल के करियर से एकदम अनजान और कुछ भी उसे मालूम नहीं हो। दोस्तों वो रेखा को देखने लगता है और उसकी आंखों से आंसू तर तर बहने लगते हैं और रेखा तो मानो बेहोश हो जाती है। उसके बाद में रेखा को होश में लाते हैं, रेखा जब होश में आती है तो उसके बाद में जादूगर हेमराज के सीने से लग जाते हैं और लाखों करोड़ों की भीड़ में खलबली मच जाती है कि ये क्या हो गया। मेरे दोस्तों आइए जानते हैं कि जो रेखा है हेमराज जादूगर के गले से लिपट करके, हेमराज जादूगर के सीने से लग करके क्यों रोने लगती है और जादूगर हेमराज अपने सीने से क्यों लगा लेता है उस रेखा नाम की महिला को। दोस्तों कहानी बहुत ही रोमांचक है, बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। आइए जानते हैं इस कहानी में सारा मामला क्या है, सारा खेल क्या है और इस कहानी को विस्तार से समझते हैं। दोस्तों क्यों हेमराज जादूगर उसे अपने सीने से लगा लेता है और क्यों रेखा हेमराज जादूगर के सीने से लग जाती है। दोस्तों ऐसे में
पूरा दर्शक हैरान हो जाता है कि लाखों करोड़ों में खेलने वाला हेमराज जादूगर एक अनजान सी महिला को, एक भिखारन जैसी महिला को अपने गले से क्यों लगा लिया। दोस्तों हेमराज उसके रूप को देख करके, उसकी सुंदरता को देख करके पूरी अपनी कला को भूल जाता है, अपनी जादूगरी को भूल जाता है। उसे कुछ होश नहीं रहता है कि हमारे सामने ये कितनी दर्शक की भीड़ जुटी हुई है। दोस्तों आइए जानते हैं क्या हेमराज जादूगर का कोई कनेक्शन है इस रेखा नाम की महिला से, क्या रेखा नाम की जो महिला है हेमराज जादूगर से कोई संबंध है। तो दोस्तों आइए जानते हैं इस कहानी को, लेकिन इस कहानी को जानने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट करके बताइए कि सागर की कहानी कैसी लगी। दोस्तों ये कहानी प्रयागराज के एक छोटे से गाँव की है, जहाँ पर एक हिमेश नाम का लड़का है, अपने माँ बाप के साथ में रहता है और उसके माँ बाप उसे समझाते हैं कि बेटा तू अच्छी खासी पढ़ाई कर, तेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। लेकिन हिमेश कहता है कि पिताजी पढ़ाई करने से कुछ फायदा नहीं है, मैं ऐसा काम करूंगा, मैं ऐसा नाम करूंगा, मैं ऐसी शोहरत कमाऊंगा, लोगों के दिलों में बसूंगा और लोग मुझे याद करेंगे। और उसके माँ बाप कहते हैं तेरी यही बड़ी बड़ी डींगे अच्छी नहीं लगती है बेटा, एक दिन जब हम लोग नहीं रहेंगे तो तू कोसेगा कि मैं पढ़ाई किया होता तो मैं अच्छा सा ज्ञान लिया होता और अच्छा सा कारोबार करता। दोस्तों उसके बाद में ये कहता है कि मैं नहीं पढ़ूंगा, मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता है। दोस्तों उसके माँ बाप को उसकी तरफ से बहुत ही चिंता होती है और उसका विवाह कर देते हैं एक रेखा नाम की लड़की से। दोस्तों रेखा नाम की लड़की से जब उसका विवाह हो जाता है तो उसके बाद में उसके सर पे एक जिम्मेदारी का बोझ हो जाता है। दोस्तों उसके घर वाले समझाते हैं कि बेटा तू अब कुछ कमाने लग जा, नहीं तो फिर इसका खर्चा हमें ही उठाना पड़ जाएगा। दोस्तों उसके बाद में हिमेश फिर भी कुछ नहीं करता है और हिमेश उस रेखा की सूरत को देखते रहता है, क्योंकि रेखा इतनी ज़्यादा सुंदर होती है, इतनी ज़्यादा कोमल होती है, इतनी ज़्यादा उसकी सुंदरता भरी हुई होती है जैसे मानो लगता है कि आसमान से परी उतर करके आई हो। दोस्तों रेखा की निगाहों को हमेशा देखते रहता, रेखा के रूप को हमेशा देखते रहता। दोस्तों ऐसे में उसके सर पे एक जिम्मेदारी और हो जाती है, उसे एक बेटा पैदा हो जाता है। हिमेश को जब बेटा पैदा होता है तो हिमेश की खुशी का ठिकाना नहीं होता है। दोस्तों उसके बाद में हिमेश अपने बच्चे को अपने गोद में लेकर के खुशी से झूम जाता है और कहता है कि रेखा तुमने आज मुझे वो बहुत ही अच्छा तोहफा दिया है, बहुत ही बड़ी खुशी दी है, आज भगवान से मैं खुश हूँ कि भगवान ने मुझे एक बेटा दिया है। दोस्तों उसके बाद में रेखा कहती है कि जब तुम कुछ अच्छे से कमाई करोगे तभी इस बच्चे का परवरिश होगा, तभी इस बच्चे का पालन पोषण होगा। लेकिन दोस्तों हिमेश का वही रवैया होता है। दोस्तों ऐसे में हिमेश के माँ बाप बुढ़ाई से जर्जर होके मर जाते हैं और सारी जिम्मेदारी हिमेश के सर पे आ जाती है। हिमेश बहुत परेशान हो जाता है और वो शराब पीने लगता है। दोस्तों ऐसे में उसकी बीवी इसे छोड़ करके मायके चली जाती है, लेकिन ये अपनी ससुराल जाता है और उसे देखता ही रहता है। उसके बाद में इसके ससुराल वाले कहते हैं कि जाओ यहाँ से, नहीं तो बहुत मारेंगे, तुम जाओ कुछ ऐसा काम करो, नहीं तो ये तुम्हारी बीवी जाने वाली नहीं है। दोस्तों उसके बाद में हिमेश कहता है कि रेखा चलो हमारे साथ, नहीं तो कभी तुम तरसोगी हिमेश को देखने के लिए। लेकिन रेखा कहती है कि जाओ कोई अच्छा सा कारोबार करो, कोई अच्छा सा काम करो जिससे पैसे कमाओ और हमारा भी खर्च चलता रहे और हमारे बच्चे का भी परवरिश चलता रहे, नहीं तो हमारा जीना बेकार है, आपका भी जीना बेकार है। उसके बाद में हिमेश वहां से उदास होकर के चला आता है और कहता है आज के बाद ससुराल की चौखट पर नहीं जाऊंगा और आज के बाद इस घर को ही नहीं इस गांव को ही छोड़ दूंगा मैं। उसके बाद में रेखा को संदेश देता है कि रेखा चली आओ, नहीं तो मैं घर को ही नहीं पूरे गांव और मोहल्ले को छोड़कर चला जाऊंगा और तुम मुझे देखने के लिए तरस जाओगी। रेखा सोचती है कि ये फिर वही बड़ी बड़ी बातें मार रहा है, ये कुछ करने वाला नहीं है, मैं इसे सबक सिखा के ही रहूंगी। दोस्तों उसके बाद में हिमेश कुछ लोगों को बुलाता है और अपने सारे जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी को बेच देता है और घर छोड़ करके निकल जाता है। दोस्तों ऐसे में जब रेखा आती है तो रेखा उसे ढूंढने लगती है, उसके गांव वालों से पूछती है तो कहते हैं कि ये तो बहुत ही बुरा काम करके चला गया है, अपने घर को और अपने खेत खलिहान को, अपने सारी प्रॉपर्टी को बेच दिया है और ना जाने कहां भाग दिया। दोस्तों ऐसे में काफी लंबा समय बीत जाता है, उसके बाद उसका इंतजार करते करते रेखा थक जाती है, उसके माँ बाप रेखा का विवाह कर देते हैं। दोस्तों जब रेखा का विवाह हो जाता है तो जो दूसरा पति होता है वो बहुत ही सीधा और बहुत ही साधारण परिवार से होता है। दोस्तों उसका मुंबई में कुछ कारोबार होता है, ऐसे में उस औरत को लेकर के वो मुंबई में रहने लगता है और दोस्तों काफी समय बीत जाता है,
5-6 साल की समय जब बीत जाता है तो उसके बाद में एक दिन अपनी औरत को वो लिवा कर कहीं घूमने के लिए निकलता है, लेकिन ऐसे में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। दोस्तों एक्सीडेंट का हादसा इतना ज़्यादा खतरनाक होता है कि पूरा परिवार उस हादसे का शिकार हो जाता है। ऐसे में रेखा का जो दूसरा पति होता है रोड पर तुरंत ही मर जाता है और उसके बच्चे को यानी कि जो हिमेश का बेटा है उसे भी बहुत ही ज़्यादा चोट लगी हुई है और वो कोमा में चला जाता है। दोस्तों उसके बाद में रेखा भी पागल जैसी हो जाती है और ये कहती है कि डॉक्टर साहब हमारे बच्चे को बचा लीजिए, इसके अलावा हमारे दुनिया में कोई है नहीं। दोस्तों डॉक्टर भी भावुक हो जाता है और कहता है कि बहन तुम चिंता ना करो, इस बच्चे की जान बचाने के लिए बहुत ही ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, कम से कम 7 लाख रुपए का व्यवस्था होगा तब जाकर कि ये बच्चे की जान बचेगी। दोस्तों उसके बाद में डॉक्टर कहता है कि बहन तुम पैसे का इंतजाम करो, मैं अपने कार्य में लग जाता हूँ। दोस्तों आइए इधर चलते हैं हिमेश की तरफ। हिमेश जब घर छोड़ देता है तो वो भूखा प्यासा एक रोड पर पड़ा हुआ होता है और ऐसे में एक जादूगर से उसकी मुलाकात हो जाती है। जादूगर बेचारा परेशान होता है कि ये लड़का है कौन, उसके बाद में उसे अपने साथ ले जाता है और अपने महल में ले जाता है, उसे खाना खिलाता है, उसे होश मिलाता है। दोस्तों जब हिमेश उठता है तो कहता है कि आप कौन, और वो जादूगर पूछता है कि बेटा तुम कौन, तुम बहुत भूखे प्यासे थे, मैं तुम्हें यहाँ अपने पास ले आया हूँ। उसके बाद में सारी कायनात को बताता है, सारी कहानी को बताता है तो जादूगर कहता है कि तुम आज के बाद हमारे शिष्य बन जाओ और हमारे शरण में आ जाओ, उसके बाद में बहुत ही नाम कमाओगे, बहुत ही बड़ा शोहरत कमाओगे। दोस्तों हिमेश कहता है वैसे ही हमारी दुनिया उजड़ चुकी है, मेरा कोई है नहीं, मेरी एक पत्नी थी वो भी मेरा साथ नहीं दे रही है। दोस्तों उस जादूगर के साथ में हिमेश उससे जादू सीखने लगता है। एक दिन वो जादूगर कहता है कि बेटा तेरा हिमेश नाम मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मैं तेरा आज के बाद एक नामकरण करता हूँ, तेरा नाम हिमेश से हेमराज रखता हूँ। दोस्तों उसी दिन से उसे जादूगर हेमराज कहने लगे। दोस्तों जादूगर हेमराज जो हिमेश होता है उसका नाम बदल करके हेमराज हो जाता है। दोस्तों जादूगर हेमराज अपने गुरु के कला से भी आगे बढ़ जाता है, अपने गुरु के रेखा को पार कर जाता है और इतना बड़ा जादूगर हो जाता है कि लोगों को धीरे धीरे लोगों के दिलों में बसने लगता है। जैसे कहावत है कि गुरु गुरु ही रह गया और चेला शक्कर हो गया, तो वही कहावत है। दोस्तों ये हिमेश बहुत ही बड़ा जादूगर बन जाता है और जादूगर हेमराज के नाम से मशहूर हो जाता है। ऐसे में दोस्तों देश विदेश में उसका शो चलने लगता है और लोग उसके जादूगरी को देखने के लिए तरसने लगते हैं। ऐसे में मुंबई में बहुत ही नसीब से उसका शो लगता है और मुंबई के चारों तरफ भीड़ों का रेलम रेल मचा होता है और चारों तरफ पोस्टर लगा हुआ होता है। लोग उसके पोस्टर को देख करके सोचते हैं कि इसका शो कैसे देखने को मिले, लगता है कि ऐसा मानो लगता है कि उसके पोस्टर को देख लिए जैसे उसके शो को देख लिए। दोस्तों बहुत ही बड़े ग्राउंड में भीड़ मची हुई होती है और उसी ग्राउंड में ऑफर होता है कि यहाँ कुछ महिलाओं की जरूरत है। दोस्तों वहाँ पर ऐसे में ये जो रेखा है अपने बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराकर आती है और वो भी उसी ग्राउंड में भागी जाती है और कहती है कि मुझे भी काम चाहिए। दोस्तों उसके बाद में उसी समय वो उसी ग्राउंड में काम करने लगती है। दोस्तों उसके बाद में तो पहला सीन ऐसा होता है कि जादूगर हेमराज एक लड़के के पेट में बहुत ही बड़े खंजर से वार कर देता है और वार इतनी तेजी से करता है कि लड़का बहुत ही तेज से चिल्लाता है और वो खंजर निकाल लेता है और खंजर की जगह पर अपना हाथ डालता है और उस बच्चे के कलेजे को निकाल लेता है। बच्चे के कलेजे को जब निकाल लेता है तो खून का फव्वारा उड़ने लगता है और लोग हैरान हो जाते हैं, लोग घबरा जाते हैं, लोगों में खलबली मच जाती है, चारों तरफ से तालियों की गड़गड़ाहट मच जाती है और लोग देखते हैं कि लगता है ये बच्चा मर जाएगा, अब जीवित नहीं रहेगा। दोस्तों इस सीन को देखकर रेखा जो काम कर रही होती है वो घबरा कर रोने लगती है और चिल्ला कर कहते हैं कि बचाओ बचाओ मेरा बच्चा मर जाएगा। उसके बाद में लोग देखते हैं कि इसे क्या हो गया है, एक वर्कर महिला को, एक भिखारन जैसी महिला को क्या हो गया। लोग सोचने लगे कि इस सीन को देखकर ये बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसे अपने बच्चे की फिक्र होने लगी कि यहाँ ऐसा हो रहा है, कहीं हमारा बच्चा तो मर तो नहीं गया। दोस्तों उसके बाद में भागी भागी सीधे स्टेज पर आती है और हेमराज को देखते ही रह जाती है और दोस्तों हेमराज रेखा को देखने लगती है। दोस्तों रेखा को देखकर हेमराज बहुत ही ज्यादा रोने लगता है और उसके आंखों से आंसुओं की धार तर-तर बहने लगती है और रेखा भी उसे देख करके कायल हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे के ख्यालों में डूब जाते हैं। दोस्तों ऐसे में हेमराज
काफी देर से देखता रहता है। लोग लाखों करोड़ों की भीड़ में खलबली मची हुई है कि वो लोग सोचते हैं कि ये क्या हो गया है। जादूगर हेमराज एक भिखारन जैसी महिला को अपने गले से लगा लिया है और अपने सीने से लगा लिया है और इधर ये रेखा उसके सीने से लग जाती है। तो दोस्तों ये रेखा वही है जो हेमराज की कभी धर्मपत्नी हुआ करती थी और कभी हेमराज उसका पति हुआ करता था। दोस्तों हेमराज कभी हिमेश नाम से था और आज हेमराज के नाम से मशहूर हो गया है। दोस्तों उसे कहता है कि रेखा ये क्या दशा हो गई और रेखा कहती है कि स्वामी आप ऐसे कैसे हो गए, आप एक साधारण आदमी से इतने बड़े जादूगर कैसे बन गए। दोस्तों उसके बाद में वो अपने बच्चे के ख्याल को भूल जाती है और जादूगर से लिपट कर रो रही होती है, लेकिन जादूगर कहता है रो नहीं तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भर दूंगा। दोस्तों उसके बाद में रोने लगती है। फिर हेमराज पूछता है कि मेरा बेटा कैसा है। दोस्तों रेखा कहती है बेटा जिंदगी और मौत की सांसों से लड़ रहा है। ये सुनकर जादूगर और हुंकार भर के रोने लगता है और कहता है कि हे प्रभु ये कौन सी खेला किया है तुमने। उसके बाद में कहता है कि रेखा तुम रो नहीं, मुझे भगवान के पास भी जाना पड़ेगा तो मैं अपने बेटे की जान को छीन कर लाऊंगा। उसके बाद में जब वो सारे कहानी को बताती है तो वो कहता है डॉक्टर से कहता है कि डॉक्टर हमारे बच्चे को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इसका इलाज करो और साथ नहीं मैं 7 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार हूँ। दोस्तों उसके बाद में खुशी का ठिकाना नहीं रहता है, चारों तरफ से खलबली मच जाती है। जादूगर हेमराज अपनी धर्म पत्नी को अपना लेता है और अपने बच्चे को बचा लेता है और रेखा विधवा होकर भी फिर से सुहागन हो जाती है। तो दोस्तों ये थी हमारी कहानी और कहानी कैसी लगी। दोस्तों कहानी अगर जरा सी भी अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट करके हमें हमारा हौसला बढ़ा दीजिए, जिससे हम आपके बीच में नई नई कहानियों को लेकर के उपस्थित होता रहूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं तब तक किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सागर को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।